नमस्कार। हाँ नमस्कार। आज सत्याग्रह पेज पर हमारे साथ उपस्थित हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व DSW और वर्तमान में विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हैं। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं बांका जिला के अंतर्गत शंभुगंज के अंदर महाविद्यालय है, उनके प्राचार्य हैं डॉक्टर भानु उदयन और गांधी विचार विभाग से उन्होंने डॉक्टरेट की है। आप दोनों का स्वागत है, साथ ही जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सब का भी स्वागत है। हम जो आज हमारा जो विषय है, फणीश्वर नाथ रेणु और किसान मजदूर आंदोलन। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है देश भर में। फणीश्वर नाथ रेणु को जब याद कर रहे हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो लेखनी है, उनके निबंध है, उनकी जो पत्रकारिता है, रिपोर्टाज है, कई विधाओं में उनकी जो कविताएं हैं, इन सब चीज में उन्होंने लिखने का काम किया। और उन सब चीजों में जब आप देखेंगे तो ये एक ऐसे कथा शिल्पी हैं जो अपने आंचलिक भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। दुनिया के 22 देशों से अधिक जगहों पर आज फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती जो है शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ऐसे वक्त पर जब भारत के अंदर किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, यूं कहें छात्रों का आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, महिलाएं अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, हम ऐसे दौर में फणीश्वर नाथ रेणु को हम याद कर रहे हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु को याद करने का जो तात्पर्य है, जो मतलब है कि जो उनकी लेखनी में जो किरदार है, जो उनके नायक हैं, वो मजदूर वर्ग हैं, किसान हैं, गांव के बिल्कुल गंवार हैं, एकदम से हीरामन जिसको वो कहते हैं। तो ऐसे में किसान आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय चल रहा है। 1972 में जब अत्याचार चल रहा था, अन्याय चल रहा था, उसके खिलाफ में वो सोशलिस्ट विचारधारा के फणीश्वर नाथ रेणु चुनाव भी लड़ते हैं। इन सारे संदर्भों में आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत की हम शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर योगेंद्र सर से कि फणीश्वर नाथ रेणु और जो आज किसान मजदूर आंदोलन चल रहा है, उस संदर्भ में आज फणीश्वर नाथ रेणु होते तो उनकी क्या भूमिका होती? सभी साथियों को नमस्कार। फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है पूरे देश में, और उनको नए सिरे से याद करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। दरअसल फणीश्वरनाथ रेणु अपने जीवन में क्रांतिकारी थे, उनके अंदर क्रांतिकारी चेतना बचपन से ही थी। बल्कि लेखन के पूर्व 1942 का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में वो गिरफ्तार भी हुए थे, जेल भी गए थे। जेल से वापस आए तो उन्होंने पहली कहानी लिखी 1944 में, बट बाबा। और उसके 10 वर्ष के बाद 1954 में उनकी महान कृति, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, वह कृति थी मैलांचल। मैलांचल और उसके आसपास कहानियां बुनी जाती रही। बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी, लालपान की बेगम हो, ठेस हो, स्तंभदिया हो, रसप्रिया हो, बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम उपन्यास में प्रति परिकथा, और कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, और फिर कविताएं भी लिखी। रिपोर्टाज के मामले तो बेमिसाल थे, बल्कि रिपोर्टाज लगता है कि उनसे ही शुरू हुई थी विद्या और उनसे ही समाप्त हो गई है। तो जाहिर है कि उनका जो स्फीयर है, उनका जो क्षेत्र है, वो बहुत विस्तृत है।
बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, राजनीति में हिस्सेदार भी हुए और खुलकर हुए। 1974 में तो बाकायदा शामिल थे और भागलपुर की धरती पर आए थे, नागार्जुन और विश्वनाथ रेणु जो दोनों साथ साथ आए थे, और जहां आज हिंदी विभाग है वहीं पर कांग्रेस उनका मंच सजा था और उन्होंने भाषण दिया था अपना। तो चेतना उनकी क्रांतिकारी, लेकिन जब हम जोड़ते हैं वर्तमान जो मजदूर किसान आंदोलन है और उनके पात्रों को जोड़ते हैं, उनके नायकों को जोड़ते हैं, तो थोड़ी दिक्कत शुरू होती है। दिक्कत इसलिए शुरू होती है कि रेणु के यहाँ पात्र महत्वपूर्ण नहीं है, रेणु के यहाँ घटनाएं महत्वपूर्ण है। वो घटनाओं को जितना जोड़ देते हैं उतने पात्रों पर जोड़ देते हैं, इसलिए महिला आंचल का कोई नायक नहीं, प्रतिपरी कथा का कोई नायक नहीं, और कोई पूरे गांव पर लिखते हैं। गांव की सुंदरता भी है, गांव की गरीबी भी है, गांव की परेशानी भी है, गांव का कायापन भी है, गांव की बुराइयां भी हैं तो उनकी अच्छाइयां भी हैं, तो वो पूरा गांव और पूरा संदर्भ उठकर आता है। और वहां जो उनके पात्र हैं वो क्रांति करते हुए दिखते नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं महसूस होता है, लेकिन पात्रों के अंदर जिस तरह की चेतना, जो भी पात्र खड़ा होता है वो लेखक का ही होता है, लेखक ही उस पात्र को खड़ा करता है और अपनी बात कहने के लिए खड़ा करता है। समाजवादी आंदोलन से उनका गहरा संबंध था और जब वो पढ़ रहे थे काशी विश्वविद्यालय में, इंटरमीडिएट उन्होंने किया है बनारस से, तो वहां पर वो समाजवादी संगठन का जो छात्र विंग था उसके वे सदस्य भी रहे, तो समाजवादियों से उनका काफी गहरा संबंध रहा है। जयप्रकाश नारायण और मीनू मशानी और तमाम लोगों से उनके गहरे संबंध रहे हैं, गहरे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो फिर चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे। तो पता नहीं क्यों और कैसे अपने जीवन का अंतर्विरोध होता है, पार्टियों के अंतर्विरोध होते हैं, विचारों के भी अंतर्विरोध होते हैं, लेकिन अभी जो आंदोलन है देश में 1954 और ये 2020-21 का समय है, काफी कुछ बीत गया है, खेती गृहस्थी भी बदल गई है और उसके तौर तरीके बदल गया है। जहां पर खेती खड़ी हो गई है वहीं से सवाल उठ रहा है, खेत बचेगा नहीं बचेगा, खेत का इस्तेमाल कौन करेगा, किसान करेगा या पूंजीपति करेंगे, सरकार करेगी या क्या होगा, ये तमाम चीजें अभी सामने है। कीटनाशक का प्रयोग, खाद का प्रयोग और जो स्वाभाविक जो रहा है खेती गृहस्थी वो टूट रहा है, बिखर रहा है। वर्तमान के आंदोलन से, बल्कि मुझे लगता है कि प्रेमचंद का सीधा संबंध ऐसे आंदोलनों से जुड़ता है, उनके यहाँ होरी है, उनके यहाँ उनके नायक है और नायकों से हम बातें कर सकते हैं। लेकिन रेणु अपने जीवन में क्रांति धर्मी थे और कई मोर्चे पर वे खालिस मनुष्य के साथ थे, यहाँ तक कि वो कहते थे कि खेती गृहस्थी, खेत में काम करना और उसका उपज उपजाना उतना ही सुंदर है, उतना ही खूबसूरत है, उतना ही मन भावक है जितना कि लेखनी करना या लेखन करना। किसान परिवार के थे, तमाम चीजें उनके साथ ये करते भी रहे। प्रेमचंद की तुलना में रेणु का संबंध खेत से ज्यादा था, गांव से ज्यादा था, और वो लगातार खेत में काम भी करते रहते, दोस्तों के साथ भी वो काम करते रहते, तो उनकी पहचान बहुत थी। गाँव की जितनी अच्छी पहचान रेणु के पास है शायद प्रेमचंद के पास, क्योंकि रेणु जो है वो विस्तृत रूप से तमाम चीजों के बारे में, संवेदनाओं के बारे में वो लिखते हैं, अनुभूतियों के बारे में, विचारों के बारे में वो लिखते हैं और जबरदस्त लिखते हैं। जाहिर है कि इनका जो स्तर है वो दूसरे किस्म का है, लेकिन अगर वर्तमान से आप जोड़ते हैं तो उस समय की खेती गृहस्थी को देखें और आज की खेती गृहस्थी को देखना चाहें तो, और उसमें जो बदलाव आए उसको देखना चाहें और उसके आलोक में हम लोग अपनी बात कहना चाहते, ये तो जाहिर था कि उस समय तक
कम से कम ये था पूंजीपतियों का असर खेतों पर उतना नहीं था, जमीन और गृहस्थी पर उतना नहीं था जितना आज। आज तो पूंजीपति स्तरे आम सत्ता का इस्तेमाल करके जिस तरह का काम वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर होर्डिंग तक का, जमाखोरी तक का, खुलेआम सत्ता कह रही है खुलकर कि हमारा काम व्यापार करना नहीं है, व्यवसाय करना नहीं है, तो सरकार का क्या काम है? सरकार चिकित्सा को, खेतीबाड़ी को, शिक्षा को भी व्यवसाय मानती है। वो ये नहीं मानती है कि एक लोकतांत्रिक जो कल्याणकारी राज्य होता है उस राज्य में हमारा दायित्व होता है कि हम जनता को प्रोवाइड करें। हम यह काम नहीं करते, हम दूसरा काम कर रहे हैं। हम ये साफ साफ जो कहें शब्दों में कि पूंजीपतियों की तरफ से कानून बनाते हैं, पूंजीपतियों के लिए सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, पूरा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, पूरी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं, पूंजीपतियों के पैसे पर पलते हैं, जीते हैं, ये तमाम चीजें अभी ज्यादा उजागर हुई हैं, ज्यादा स्पष्ट हुई। वैसे कांग्रेसी राज्य में भी ये प्रवृत्तियां पाई जाती थी, लेकिन ये प्रवृत्तियां इतनी खुलकर हमारे सामने आएगी इसका इसकी उम्मीद जो है लोगों को नहीं थी। और मजा यह है कि लोगों का एक बड़ा जो पार्ट है, बड़ा जो हिस्सा है, वो सरकार से सहमत दिखता है। 1914 का भाषण जो नरेंद्र मोदी जी का है और अभी का जो भाषण है, दोनों को आमने सामने कर दीजिए तो एकदम 36 का रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं। लुभावने का अलग और काम करने का अलग, और बावजूद इसके अगर कुछ लोग सहमत होते हैं तो ये दुर्भाग्यजनक है। और सचमुच में रेणु की एक परंपरा ये है कि वो सत्यवादी थे, जो उन्होंने देखा कहा, जो महसूस किया उसे वो किया, लगा आंदोलन में जाना चाहिए आंदोलन में गए, संघर्ष रत रहे पूरा जीवन संघर्ष रत रहे। रेणु के वह जो परंपरा है वो लेखक को याद रखनी चाहिए कि हमारा काम सिर्फ लिखना नहीं है, हमारा काम आंदोलन भी करना है, हमारा काम विभिन्न जगहों में जाना भी है, बैठना भी है, लोगों से बातचीत भी करनी है, उसके दुख सुख में शामिल भी होना है। अगर वह परंपरा देखें तो रेणु की परंपरा से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और रेणु की जो निष्ठा है, उनका जो काम है, उनका जो सृजन है और उनके जो तौर तरीके हैं, उससे हम इतना लाभ उठा सकते हैं कि हमको सहज सरल रहना चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब 5 कहानियां लिख ली और आप बैठ गए, 10 कविताएं लिख ले, अपने को बहुत बड़े आदमी माने लगे, लेकिन रेणु जो है पूरा जीवन एक सहज जीवन उनका रहा। मैं फिल्म भी बनी, बहुत दूर दूर भी गए, लेकिन बहुत सहजतापूर्वक उन्होंने काम किया, आलोचना को भी सहा। वामपंथी लोग बहुत ज्यादा पसंद इनको नहीं करते, वो मानते थे प्रेमचंद के वो प्यारे थे, प्रेमचंद को प्यार करते थे, रेणु के बहुत बड़े आलोचक थे, इसलिए रेणु को सही जगह देने दिलवाने में भी बहुत दिक्कत हुई। वैसे इस शताब्दी के अवसर पर एक अच्छी बात है कि विभिन्न यूनिवर्सिटियों में आम लोगों के अंदर और पत्रिकाओं के माध्यम से एक नए तरह का रेणु की खोज हो रही है उनके लेखनी के माध्यम से, एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि उसकी परंपरा से जो सीख सकते हैं वो यही सीख सकते हैं कि सहज रहें, सरल रहें, संघर्ष के साथ रहें, लोगों के साथ रहें। एक बात ये, दूसरी बात ये कि विवेचन करें साफ साफ कि क्या हो रहा है देश में। तमाम झंझावात के बाद भी अकेला भी आदमी पढ़े तो सच कहे कि ये देश में घटित हो रहा है, आज न कल उनकी बात सुनी जाएगी। मुझे लगता है कि इतनी ही थी थोड़ी बात मुझे कहनी थी, समय बहुत कम है, 7:20 हो गया है और 8 बजे तक ही कार्यक्रम है। आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर। गौतम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में भरत यायावर कहते हैं कि इनके 80% जो लेखनी है, लेखन है, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ के आंचलिक शब्दों को, आंचलिक कथा को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम किया। साथ ही जब देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु को कि वे आजादी के भी सिपाही थे, आजादी के आंदोलन में भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ, JP के साथ,
हजारीबाग जेल तोड़ो से लेकर के पूरा जो यहाँ भागलपुर पूर्णिया ये सब अंचल क्षेत्र है, नेपाल से लेकर के कहे झारखंड तक, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा नेपाल क्रांति से लेकर के। आजादी के बाद जो एक सपना था उनका कि हमारा भारत जो है वो कैसा होगा, उस सपना पर जब उनको चोट पहुंचती है तो उनका एक रिपोर्टाज है नए सवेरे की आशा, और उस पर जो है यहाँ के विभिन्न हिस्सों से, बिहार के विभिन्न हिस्सों से हजारों किसान मजदूर जो है अपने हक अधिकार के लिए एक पैदल यात्रा करते हैं, उस पर पूरी कहानी उनकी है। और वो गांधी मैदान तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये जो उजली टोपी लगाए हुए हैं, बढ़िया बंडी पहना हुआ है, सफेद धोती पहना हुआ है, हमने सोचा था कि हमारा सरकार होगा लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार हो ही रह गई उनके लोगों का। तो फणीश्वरनाथ रेणु के उस समय 1972 से लेकर 1974 का जो आंदोलन और ये स्वरूप रहा, आज बॉर्डर के अंदर हम देख रहे हैं कि देश भर के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। शुरुआत पंजाब से हुआ, फिर हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के, और फिर धीरे धीरे बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ तक के हिमाचल और तमाम हिस्सों में, गुजरात में, सभी जगह ये आंदोलन स्वरूप ले लिया। क्या जो हठधर्मिता जो है कांग्रेस ने उस समय लिया था, वही हठधर्मिता जो है आज भाजपा ने किसान मजदूर तमाम लोगों के साथ जो अन्याय कर रहा है, मतलब सरकार कह रहा है कि सब ठीक है, जैसे उस समय हम इस रिपोर्टाज को पढ़ते हैं तो कहता है कि नहीं, ये कोई लोग भूखा नहीं मर रहा है, कहीं जो है भुखमरी नहीं है, कहीं बाढ़ नहीं है, तमाम तरह का इस रिपोर्ट में है। तो आज उन सब चीजों से अगर देखते हैं कांग्रेस के काल में और आज के जो सरकार, मौजूदा सरकार है बिहार से लेकर के केंद्र तक में, ऐसे स्थिति में ये सारा चीज लग रहा है सेम हूबहू वही घटित हो रहा है। तो ऐसे हूबहू घटित हो रहा है तो अभी आज के दौर में किसान मजदूरों को संगठित करने का जो एक बहुत बड़ा स्वरूप होना चाहिए था, रेणु जी जिस लेखनी के तरह, जिस तरह से वहां के पात्रों को, ज्ञानचंद को उठा करके ला रहे हैं और लोगों के सामने देख रहे हैं कि बहुत सुलझा हुआ, बहुत किसानी खेती के बारे में नहीं जान रहा है लेकिन किसानों को जगाने का काम कर रहा है, किसानों को वहां से पर्चा बांटते हुए जो फारबिसगंज के इलाके में, फिर वहां से जत्था लेकर के पहुंचते हैं। आज भी तोहमत लगाया जा रहा है कि जो बॉर्डर पर किसान वो किसान नहीं है, किसान, और अगर छोटे छोटे जगहों पर हम जैसे लोग भी आंदोलन कर रहे हैं तो उनको ऐसा किसान थोड़ी होता है। तो ये जो स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है उसे आप किस रूप में देखते हैं, डॉक्टर योगेंद्र सर से ही जानना चाहिए। देखिए, जो सत्ता होती है वो इसी किस्म की होती है और खास करके जो जनता से कट जाती है वो इतनी ही बर्बर होती है जितनी बर्बर आज है। हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए भी दो जेल जा चुके हैं और जब भी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात आ जाता है कि ये तो कांग्रेस का दलाल है या वामपंथियों का दलाल है या इसका दलाल है, ये सब कहा जाता है। जो कभी लड़ा नहीं और एक बूंद पसीना बहाया नहीं, खून बहाने की तो बात अलग है, वो लगातार ऐसे लोगों के लिए, उनके बारे में, आंदोलनों के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणी करता है, इसका हश्र तो होगा। मुझे लगता है कि यह भारत बहुत दिनों तक ऐसी बर्बर सत्ता को बर्दाश्त कर सकती है, खास करके उसकी बर्बरता की पराकाष्ठा यह है कि इतने किसान मतलब शहीद हो गए, बकायदा 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर, लगातार लाखों लोग बैठे हुए हैं धरना पर और अपनी आवाज कह रहे हैं, अपने अपने को बुलंद कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की बातें हो रही हैं। तब सरकार की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, लोग उसके बारे में मुझे लगता है कि कांग्रेसी राज से भी ज्यादा भद्दा, ज्यादा क्रूर और ज्यादा बर्बर है। कांग्रेसी राज में ऐसा नहीं होता था कि हम लोग लड़ने जाते थे तो ठीक है जेल चले गए, ये भी, और कभी लाठी बाटी भी चले गए, लेकिन ये नहीं कहा जाता था कि ये पाकिस्तानी है या आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये नक्सली है, ये नहीं कहा जाता, वो तमाम चीजें होती थी लेकिन इस तरह का एक वातावरण नहीं बनता था। आज ये वातावरण सामने है और प्रज्ञाशील और राष्ट्रवाद के नाम पर है, यह बहुत भयानक है और इस भयानकता को से मतलब टकराने के लिए हम सबों को, किसान आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, बैंक कर्मियों का आंदोलन हो, निजीकरण का जो रफ्तार चल रहा है और जिस तरह से
मतलब 26 सरकारी संस्थाओं को बेचने का खुलेआम जैसे बोली लगाई जा रही है। रेलगाड़ी को देखिए तो सामान्य रेलगाड़ी नहीं है, सबको स्पेशल रेलगाड़ी बनाकर जिस तरह से भाड़ा वसूला जा रहा है, ये सरकार का काम नहीं। सरकार का काम अगर व्यापार करना नहीं है तो क्या भाड़ा वसूलना रह गया? तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बहुत ही भद्दा है। प्रधानमंत्री खुद अपने लिए 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदते हैं और मजदूरों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे कि ये चप्पल लेकर तुमने चप्पल वाला के हवाई जहाज पर नहीं चलेगा, अब वो रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, ऑटो पर नहीं चढ़ सकता है, और तमाम चीजों को उन्होंने मैंने जनता से और उसके मंत्री कह रहे हैं कि भाड़ा इसलिए बढ़ा रहे हैं कि मैंने लोग ऐसे ही रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ जाए। तो इतनी गैर समझदारी इनके पास है और जनता एक न एक दिन जैसे संगठित हो रही है, एक बेहतर भारत होगा, एक अच्छा भारत होगा, ये मुझे उम्मीद लगती है। धन्यवाद सर। हमारे साथ भानु सर हैं, कृपया आप माइक ऑन कर लें। अनिश्वरनाथ रेणु की जो एक रचना है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, उसका उसमें जो एक पात्र है महुआ घटवारी का, उसमें चर्चा है। नीचे आप स्क्रीन को टच करिए, आप माइक आ जाएगा और कोने में माइक है, बस उसको। भानुदा आप जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन को टच करिए ना, आपके लेफ्ट साइड में माइक दिखेगा, बस उसको टच करना। हाँ फिर देखिए लेफ्ट साइड में स्क्रीन दिखेगा, उसको टच कर दिखा, लेफ्ट साइड में वीडियो के ठीक बगल में माइक जैसा दिखेगा, उसको व्हाइट जैसा है, ऐसा टच कर दीजिए। हाँ हो गया, शुक्रिया। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, उसमें हीरामन है, हीराबाई है, लेकिन इसी कथा के बीच में महुआ घटवारिन का जिक्र आ जाता है। थोड़ा आप कैमरा से पीछे होकर बैठे, तो महुआ घटवारिन का जिक्र आ जाता है। महुआ घटवारिन के बारे में फणीश्वरनाथ रेणु वहां पे जिक्र करते हैं, उसको वो गीत गाते हुए हीरामन कह रहा है, और महुआ घटवारिन के साथ जो उत्पीड़न है, आज महिला दिवस है और इस देश के अंदर दुनिया के अंदर महिलाओं को आज भी हिंसा का एक प्रबल शिकार होना पड़ता है, तो फणीश्वरनाथ रेणु उस समय अपने कहानी के माध्यम से महिलाओं के ऊपर कई एक पात्र, कई उनके आप दर्जनों कहानी में महिलाओं के ऊपर जो अन्याय है, उत्पीड़न है, कहीं उसको डैन कहा गया है, और इन सारी चीजों को फणीश्वरनाथ रेणु अपने लेखनी के माध्यम से उकेरने का काम करते हैं, मानस पटल पर लाने का काम करते हैं। तो आज भी इस देश के अंदर हम कह रहे हैं कि आधुनिक युग में आज जब फणीश्वरनाथ रेणु लिख रहे होते हैं, वहां से आज 40 साल बाद का भारत 2021 में हम हैं, तो इस दौर में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, तो आज और फणीश्वरनाथ रेणु जब लिख रहे होते हैं, दोनों के तुलनात्मक दृष्टि में आज महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न है उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो सभी मित्रों को नमस्कार, और इस कार्यक्रम में शरीक करने के लिए गौतम भाई के को विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैं इस प्रकार की क्रिया से जो है लाइव पहली बार हो रहा हूं। दोस्तों, महुआ घटवारी की चर्चा फणीश्वरनाथ रेणु ने मारे गए गुलफाम तीसरी कसम में किया है। आज महिला दिवस है, महिला उत्प्रेरण के बारे में भी बात करना है, महुआ घटवारी के बारे में बात करना है। दो बातें हैं, महुआ घटवारी और महिला उत्प्रेरण। महिला उत्प्रेरण उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, रूप चेंज हो गया है, लेकिन जो सामंती मिजाज रहा है और जो समाज के निचले पायदान के जो प्रति जो सोच रही है, उस समय से आज तक लगभग कमोवेश वो जारी है। दोस्तों, यहां पर
हो सकता है कि उस समय समाज में बोली जाती हो, लेकिन महिला के साथ अगर उसका जाति सूचक शब्द जुड़ जाता है, महुआ घटवारी, महुआ ही काफी था एक महिला को उत्प्रेरण के लिए, लेकिन उसके साथ जब घटवारिन सब जुड़ता है तो घटवार समुदाय जो जल में काम धाम करने वाले, जल से जीवन पाने वाले और जल पर जीकर जल में मजदूरी करके अपनी जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए एक स्वाभिमान का भी मामला बनता है कि हमारे महिलाओं के लिए शब्द यूज किया। मैं इस संदर्भ में मैं भगवान प्रलय का नाम लेना चाहूंगा। भगवान प्रलय ने महुआ घटवारी एक शब्द लेकर एक संपूर्ण रचना की तैयारी उन्होंने कर डाला है, बहुत कुछ लिखा है और उनको आपत्ति है। वो फणीश्वरनाथ रेणु के फैन होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रेरणा पुंज हैं, बावजूद भी उन्होंने महुआ के साथ जो घटवारी शब्द जोड़ दिया वो हमारे लिए पीड़ादायक है। और इसलिए वो घटवारी जो है, महुआ जो है, कोई व्यभिचारिणी नहीं है, गिरी गुजरी नहीं है, हम उसको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हमने एक रचना तैयार लगभग कर लिया है, पूरी तरह नहीं है हुआ है, तो मैंने कहा कि उस रचना को कंप्लीट कर लिया जाए तो एक बात बनेगी। तो इस ढंग से फणीश्वरनाथ रेणु हाँ, या फिर प्रेमचंद में भी, उनकी भी जो है एक बड़े घर की बेटी में जो एक चर्चा होते रही है, हम कोई कोई कुर्मी कहार नहीं है, तो वहां पर भी जो उस जाति के लोग हैं तो वो व्यथित होते हैं, आहत होते हैं, लेकिन ये तो लोक भाषा है, लोकोक्ति हो जाता है, तो उस संदर्भ में उसको कहां देखा जाए और फणीश्वरनाथ रेणु ने क्या सोचकर किया, ये हमारे सुधी जन इसकी व्याख्या ज्यादा बेहतर से रूप से कर पाएंगे, लेकिन आज महिला दिवस है तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि महिला सशक्त हुई है और लगातार मजबूत हो रही है। आज एक व्हाट्सएप पर एक न्यूज आया, नाम देखिए मैं भूल रहा हूं, समराव है, एक लड़की है, 15 वर्ष की लड़की है, जो अमेरिका का जो टाइम मैगजीन के फर्स्ट पेज पर जो है आया उसका, कि एक वैज्ञानिकता के साथ जो एक सोच पैदा हुई और उसने जो इन्वेंशन किया उसको टाइम मैगजीन ने सैल्यूट किया और पर्यावरण के को लेकर कुछ ज्यादा था, और जो ड्रग से एडिक्ट लोग हैं उनको ड्रग कैसे छोड़ाया जाए वो भी वैज्ञानिक विधा उन्होंने तैयार किया है। सिर्फ 15 वर्ष की बच्ची है, भारत की बच्ची है, तो हमको लगता है कि एक बड़ा काम हो रहा है महिला सशक्तिकरण पर, इससे बेहतर भारत से और बेहतर कुछ न्यूज नहीं हो सकता है। और उसमें लिखता है कि आज तक कोई भी 15 वर्ष की बच्ची बच्चा कोई भी टाइम मैगजीन का कवर फोटो उसमें आना एक गौरव की बात है और एक पहली बार आया है। तो हमको तो यहाँ लगता है कि सशक्त हो रहा है, लेकिन वो मानसिकता आज भी है कि हम जो है महिलाओं को देखने का अंदाज बदले और उनको जो लोहिया कहते हैं नारी समता की बात और कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात, तो वो आगे बढ़े। हमको लगता है कि समाजवादी आंदोलन का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। दोस्त हम लोग तो उस फिजा में लगे हुए हैं, एक नई फिजा बने और क्षमता मूलक समाज बने, क्योंकि ऐसे भी जिस देश में आधी आबादी अगर हम उसको कमतर मान लें, उसके बारे में सोचें नहीं, उसके बारे में विचारें नहीं, तो लगता है कि वो देश बेहतर नहीं हो सकता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने तो कहा ही है कि किसी देश का ग्राफ, किसी देश की ऊंचाई हम इससे आंकते हैं कि वहां की महिलाएं कितनी ऊंची हुई है। तो आज महिला सशक्ति
सशक्तिकरण के दिवस पर जो है उनको भी याद करते हैं और फणीश्वरनाथ रेणु को भी याद करते हैं और सभी जो महिला साथी है उनको भी आज शुभकामना है, बधाई है कि आप और आगे बढ़ें और नई फिजा तैयार करें, नए भारत का निर्माण हो, नए विश्व का निर्माण हो। बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू मित्रों। जी बस एक शुक्रिया डॉक्टर भानुदयन जी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी भारत के अंदर, विश्व के अंदर लॉकडाउन हो गया है और लॉकडाउन के इस आर में भारत के अंदर जब लोगों की जो रोजगार है, लोगों का जो रोजगार है वो छीना गया और निजीकरण के कारण से बहुतायत महिलाओं की नौकरी चली गई, दूसरी तरफ जिस तरह से महिलाएं, एक तरफ दिखाया जा रहा है कि वो पायलट बन गए, वो एयरक्राफ्ट चला रही हैं, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा भी चला रही है, ट्रेन में भी ड्राइवर हो गई, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि महिलाओं के साथ आज भी संगीन अपराध, आज भी महिलाएं पढ़ के डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, पायलट बन जाए, लेकिन दहेज जो है वो पुरुष के ही घर जाता है और ये दहेज भी इस पर लागू है। फणीश्वरनाथ रेणु अपने ठेस में, जब उनकी कहानी आप ठेस को पढ़ेंगे, सिरचन उनके किरदार हैं, लपलपाती जीभ, पान के पत्ते की तरह उनकी जो छुड़ी है, इन सब चीजों का वर्णन करते हैं, लेकिन उसी पूरे कहानी में जो बेटी जब विदा होगी उनके साथ संदेश जाने की भी पूरी प्रक्रिया है। तो उस समय भी और आज के दौर में भी जिस तरह से आधुनिकता बढ़ती जा रही, महिलाएं बड़े ऊंचे छलांग पर भी जा रही, लेकिन कुछ एक महिलाओं की लंबी छलांग और बहुतायत महिलाएं नीचे जा रही हैं। दूसरा अभी फिल्म, चूंकि तीसरी कसम फिल्म में जो है आप महिला जो है उनमें किरदार है, हीरामन और हीराबाई दोनों को दिखाया गया, लेकिन आप देखेंगे कि हीरामन गांव का एक निश्चल अनपढ़ गंवार है, गांव के लिए वो मजदूरी का काम कर रहा है, लेकिन हीराबाई को जो वहां पे दर्शाया गया है कि हीराबाई का जो वहां पर पर्दा में छुपकर और जो उनका काम है नौटंकी में, और हमारा समाज उसको उतनी प्रतिष्ठा और इज्जत भी नहीं देता है। तो आज के इस आधुनिक में जब हम फिल्म दुनिया में जाएंगे और टीवी सीरियल में जाएंगे, आए दिन आप देखेंगे कि खुदकुशी का घटना आ रहा है और गांव के अंदर, खलिहानों के अंदर, बगीचे के अंदर, मंदिर के पास, मस्जिद के पास, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं। फिर आप बानो जी कह रहे हैं कि महिला दिवस पर है, हम उनकी ऊंचाइयों की भी बात करें, वो संघर्ष भी कर रही, लेकिन उत्पीड़न भी उनके साथ बहुत तेजी से बढ़ा है। एक छोटी सी टिप्पणी आपका चाहे मित्र, बहुत सवाल माकूल है और महिला दिवस पर ये सवाल और भी इसको शिद्दत से महसूस करने की जरूरत है कि ये है, दहेज है। आज भी 95% लोग दहेज ले रहे हैं, जबकि कानून इसके खिलाफ में है। कुछ ही लोग आगे बढ़कर हैं जो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं और दहेज की बात नहीं कर रहे। तो अब दहेज के लिए जब बात हो जाती है, आपने एक चीज को थोड़ा सा नहीं टच किया, मैं उसको भी टच कर लेता हूं। दहेज में बातें हो जाती है कि हम आपको 10 लाख देंगे, हम नहीं दे पाए, हम 5 लाख दे पाए, हम 6 लाख दे पाए समय पर। बाद में होती है कि हम फिर बाद में दे देंगे, शादी हो जाती है तो वो 4 लाख जो बच जाता है उसमें बार बार महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। वो उस घर में अकेले रहती है, दूसरे घर से आई है, उसकी मनस्थिति को समझिए। उसमें सारे लोग, महिलाएं भी, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, महिलाएं भी इन्वॉल्व होती है उनको प्रताड़ित करने में। पुरुष तो हैं, महिलाएं भी दोषी हैं उसमें, और वो भी उसमें सुर में सुर मिलाकर कहती हैं कि तुम्हारे घर से कुछ नहीं आया, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने वो नहीं दिया, और वो अंतक और उसका फादर जो है उस देने की स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आत्महत्या कर लेती है। और वो आत्महत्या सिर्फ पुरुषों के कारण नहीं होता है, महिलाएं भी उसमें बराबर की भागीदार है, और महिलाएं तो ही तो ज्यादा उसके साथ में रहती है,
पुरुष तो कभी ये काम कभी वो काम करने के लिए जाते हैं, लगातार 24 घंटे तो वो रह रही है। तो वहां पर वो देखने की बात पड़ेगी कि वहां उसका समाधान के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इसका मतलब समाज में मिथ्याचार है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो जहां तक ये साम्य नहीं होगा, कथनी और करनी, मनसा वाचा कर्मणा, जो एक श्लोगन जो दिया गया है, वो जब तक एक नहीं होगा तब तक ये परेशानी रहेगी। और हम आपके इस बात इत्तेफाक रखते हैं कि एक तो बहुत ऊंचाई किया है, प्राप्त किया है महिलाओं ने, दूसरा कमतर भी है। और क्या कहा जाए, क्योंकि कुछ दिन जो है ऐसे परिवेश में रहने का भी मौका मिला है जिसमें लड़कियां खुद कह रही है, जो दिखती है वो बिकती है, अपने जॉब के सेंस में बोल रही है, लड़कियां बोल रही है और वो उस तरफ से दिखाने का काम कर रही है। अब इसको कैसे हम लोग लेंगे, वो खुद आगे बढ़ रही है, वो कहती है जो दिखती है वो बिकती है, हमको जॉब मिलेगा पहले, हम कमतर भी ज्ञान में है, इफिशियंसी में कमतर भी है, लेकिन हम ज्यादा दिखते हैं। तो ये इशारा आप हमारा समझ रहे होंगे, ये भी परेशानी है। और हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं कि लॉकडाउन में रोजगार समाप्त हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाए और सारे पूंजीपतियों ने अवसर में तब्दील कर लिया, सबकी संपत्ति बढ़ गई और भारत की जो 2500-3000 बड़ी बड़ी कंपनियां वो औने पौने पानी के भाव में बेच दिया गया। तो ये आप देख लीजिए क्या स्थिति है, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी अडानी की, अभी जो भारत का दूसरा नंबर का जो है बन गया, बहुत अवसर उसको बनाया, कई कई जो है एयरपोर्ट उसको दे दिया गया, स्टेशन दे दिया गया, जिसको जहाज बनाने का, पानी के जहाज का बनाने का, शिप बनाने का कोई अकल नहीं था, राफेल का बनाने का कोई अकल नहीं था, वो सब उसको दिया जा रहा है। वो ना क्या कहिएगा इस सबको, बहुत बुरी स्थिति है। और डॉक्टर जोगेंद्र के बात से पूरी तरह सहमत हैं कि 14 का जो है उनका भाषण और आज के भाषण में पूरी तरह 36 का आंकड़ा है, उस समय कुछ था, आज उसके जस्ट रिवर्स कर रहा है। पहले कहते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो आप हमको बुलाइए, चौक पर मारिए, हम आएंगे। और आज 200-200 किसान मर गए वहां पर और झांकने तक के नहीं गया, आज तक एक बार भी जो है उससे बातचीत नहीं हो पाई है, दूसरे दूसरे लोगों से, अब तोमर उमर सब जो है उसको लाकर जो है उससे बतियाया जा रहा है और प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं हो पाई है। अब बोल लीजिए, जो कल कह रहे हैं कि आप लोग को परेशानी होगी हमारे कारण तो आप हमको बुलाइए, चौक पर हमको मारिए, जूता से मारिए, उल्टा कर मारिए, और आज वो किसानों को उल्टा कर मार रहे हैं। तो स्थिति तो बहुत भयावह हो गई है, इसी बीच से कुछ रास्ता निकालना है। हाँ, तो हमको लगता है कुछ ज्यादा समय लेते हुए और भी बड़े और कई साथी हैं, तो इतना हम कहकर हम लोगों के साथ जुड़े। हाँ जी, हम लोगों के साथ और भी साथी हैं। हेलो। हाँ जी, मैं लखनऊ से प्रवीण श्रीवास्तव हूँ। ये लॉकडाउन के दौरान जो आपने कहा कि रोजगार छिन गए हैं, उसके साथ एक और चीजें भी आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में भी ऑन कर लीजिए तो, प्रवीण भाई। जी जी, आप वीडियो ऑन कर सकते जी। तो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही, कहिए। हाँ, तो मुझे लगता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो
अभी आप बात कह रहे थे कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, हर जगह दिक्कत है, और सबसे ज्यादा समस्या तो उनके घर में ही है, क्योंकि वो अपने घर में भी बहुत सुरक्षित नहीं है, जो कि कई पेपर्स में ये न्यूज आपने सुनी होगी कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के घर में भी घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई, क्योंकि तो पुरुष जो है उनके साथ ही रह रहे थे जो बाहर चले जाते थे। तो मतलब ये हमारे समाज का एक आईना है कि ऐसा नहीं है कि बाहर ही उनके साथ हिंसा होती है, घर में भी वो उतनी सुरक्षित नहीं है। और महिला दिवस में हम एक प्रतीकात्मक रूप से महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, जरूर ये कहते हैं कि पायलट बन गई और डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, लेकिन अभी भी उनकी सामाजिक हैसियत देखिए, इवन डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े पदों पे भी महिलाएं जब उनकी अपने पति के समान, मतलब साथ में उनका वो अधिकार की बात की जाए, तो वो निश्चित रूप से कमजोर स्थिति में हैं। तो ये बराबरी जब हम उनको इस तरीके से कहते हैं कि वो कुछ खास पद पा गई तो उनका सशक्तिकरण हो गया, सशक्तिकरण शायद कुछ हो भी जाता है, लेकिन अभी भी वो पुरुषों के बराबर नहीं समझी जाती है। मतलब ये उन महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अच्छे पदों पर हैं, लेकिन घरेलू स्तर पे वो अपने पति से एक सबॉर्डिनेट की ही तरह, अभी भी हमारा रवैया उनको एज ए सबॉर्डिनेट देखने का ही है, एक मित्रवत देखने की हमारा अभी हमारे समाज का नजरिया नहीं हो पाया महिलाओं के प्रति। तो यही मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे समाज में बहुत परिवर्तन की जरूरत है, अगर हम वास्तव में महिलाओं को एक सशक्तिकरण की बात कहते हैं तो पूरा सामाजिक नजरिया बदलने की जरूरत है, केवल वो कुछ पैसे कमा लें, वो कुछ पदों पे पहुंच जाएं, वो काफी नहीं है। जी शुक्रिया प्रवीण जी। और कोई भी साथी, रूपक जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मोहम्मद अख्तर साहब है, मोहम्मद अहमद खान साहब है, और भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप बात रखें, हमारे पास अभी 8 मिनट समय है। और जब तक नहीं आ रहे हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी जो बातचीत कह रहे थे, हरीशनाथ रेणु का एक संस्मरण है, वो अपने गांव से वो यात्रा निकलती है और सभी देवस्थानों तक वो यात्रा जाती है, उस यात्रा के दौरान जो महिलाओं का उत्पीड़न है वो सब चीजों को रेखांकित किया है। तो महिलाएं घर में असुरक्षित इसलिए बाहर भी असुरक्षित है, ये बिल्कुल सही है, और इस पर काफी चर्चाएं फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने कई एक लेखनी में किया है, और हमें और भी ज्यादा फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ना होगा। आज के दौर में फणीश्वरनाथ रेणु के ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, वो सोशलिस्ट नेता रहे फणीश्वरनाथ रेणु, 74 के आंदोलन के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ने का काम किया, और उनका चुनाव चिन्ह था नाव, और वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई तो उन्होंने लिखा कागज का नाव, उन्होंने उन्होंने कहा अगर हम चुनाव जीत गए तो छोटी छोटी कहानियां लिखेंगे और चुनाव हार गए तो बड़ी कहानियां लिखने का काम करेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु साहित्य के लिए, लेखनी के लिए उस समय कपूर साहब भी हुआ करते थे, वो भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे सब। तो ये जो समाजवादियों का अपना एक रहा है लेखनी पढ़ने, वो तमाम चीजों में हमेशा आप देखेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु का जो लेखनी है, उनका जो कलम है, उस कलम के अंदर जो स्याही है वो आंचलिक हीरामन जैसे जो पात्र है उनका स्याही है। जब भी कलम से उनका कुछ निकला है तो पूरे जो ग्रामीण परिवेश है या शहर के अंदर भी जो निश्चल है, जो जिसे आज पवित्र और पवित्र कह रहे हैं, तो जो एक सांस्कृतिक रूप से जो मजबूत पक्ष है, उन सारे चीजों को उन्होंने लिखने का काम किया है। और इसलिए फणीश्वरनाथ रेणु के इस जन्म शताब्दी पर हम उनको नमन करते हैं। आप सब डॉक्टर योगेंद्र जी, डॉक्टर भानु उदयन, प्रवीण श्रीवास्तव जी और तमाम साथी जितने भी जुड़े हैं, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। फिर हम अगले अंक में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और किसी साथी का कोई सवाल हो तो फिर हम कार्यक्रम समाप्त।
शुक्रिया। इसी के साथ आज का जो हम लोग परिचर्चा कर रहे थे फरीश्वर नाथ रेणु के जोड़ते हुए, वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, खेती किसानी मजदूरों का जो कानून, आप देखेंगे कि मजदूरों के साथ भी अब 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करेगा, तो कलम आज फिर से कलम को भी जगने की जरूरत है, और उस कलम के माध्यम से सड़क को जगाने का, जैसे लोहिया जी का चर्चा यहाँ पर डॉक्टर भानु जी ने किया था, तो सड़क को ही संसद बनाना होगा। सड़कें अगर सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा। आज संसद आवारा हो चुका है। लोहिया जी 62 में कहे थे, आज 2021 में यह बात साबित हो चुका है। इसलिए सड़क को मजबूत करने का काम जो किसान मजदूरों ने किया है, हम आज सत्याग्रह के इस चैनल के माध्यम से उनको सैल्यूट करते हैं, और इस आंदोलन को और तेज गति करने में हम लोग की जितनी भी महत्वपूर्ण भूमिका, छोटी सी भी भूमिका होगी, हम निभाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। मोदी जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर। आईपैड आपका काम आ गया, आईपैड बढ़िया काम आ गया। ठीक है भानुदा। हाँ ओके, गुड नाइट बॉस। ठीक, शुभ रात्रि। कहाँ से खत्म होगा? देखो बेटा, स्टॉप लाइव स्ट्रीम।